गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 का पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 1 आपका आ चुका है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। पार्ट 2 में आप जो पढ़ रहे हैं, तो हम आपको पार्ट 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा रहे थे, है ना। अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसी क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ें रह गई थी, ठीक है। समय ना होने के कारण आपको दूसरे पार्ट में भेज रहे हैं। तो हमने आपको डाइहाइड्रिक एल्कोहल तक पढ़ा दिया था। अब नंबर सी पर था ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है ना। जैसा कि आपने डाईहाइड्रिक एल्कोहल में पढ़ा था, उसी प्रकार से ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में पढ़ना है। वो क्या है? डाइहाइड्रिक में आपने पढ़ा था कि दो OH समूह भिन्न भिन्न एल्किल मूलक से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार ट्राईहाइड्रिक में पढ़ना है कि वे एल्कोहल जिनमें तीन OH समूह है ना, जिनमें तीन OH समूह उपस्थित होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। देखिए, डिफाइन करेंगे वे एल्कोहल, वे एल्कोहल जिनमें तीन OH समूह उपस्थित होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते, ठीक है ना। वे एल्कोहल जिनमें तीन OH समूह है ना, वे एल्कोहल जिनमें तीन OH समूह उपस्थित होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जिनमें तीन OH समूह उपस्थित होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। एग्जांपल में चलते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है। एक दो तीन, तीन OH समूह हो गए, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसका नाम है ग्लिसरॉल, ठीक है ना। क्या नाम है? ग्लिसरॉल है ये, जिसमें तीन OH समूह होते हैं। नंबर डी पर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉली हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है ना। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मोनोहाइड्रिक में पढ़ा था एक OH होता है, डाइहाइड्रिक में पढ़ा दो OH समूह होते हैं, ट्राईहाइड्रिक में तीन OH समूह होते हैं, और पॉली का मतलब बहुत से, पॉली का मतलब बहुत से होता है। तो यहां पर यानी तीन से ज्यादा OH समूह जिसमें होंगे, उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। तो डिफाइन कर सकते हैं क्या कि वे एल्कोहल जिनकी कार्बन श्रृंखला में, वे एल्कोहल जिनकी कार्बन श्रृंखला में तीन से अधिक OH समूह होते हैं, वे एल्कोहल जिनकी कार्बन श्रृंखला में तीन से अधिक OH समूह होते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, मतलब तीन से ज्यादा OH समूह होंगे तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे।
जैसे CHO, OH, CH2H, एक दो तीन चार पांच, पांच एल्कोहल समूह है। इसे हम, ये होता क्या है, ये ग्लूकोज होता है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि वे एल्कोहल जिनकी कार्बन श्रृंखला में तीन से अधिक OH समूह होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। अब नंबर पांच पर चलते हैं, इसको हम साफ करते हैं। नंबर पांच पर यानी कि ई नंबर पांचवा है एलिलिक एल्कोहल। ALY एलिलिक एल्कोहल, ठीक है। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह sp3 कार्बन, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वे एल्कोहल जिनमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है परंतु इसके तुरंत बाद वाला कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। एलिलिक एल्कोहल कहलाते हैं। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है ना, यानी OH जिससे जुड़ा होगा, जिस कार्बन से, उस पर जो संकरण होगा वो sp3 होगा, ठीक है ना। परंतु उसके बाद वाला जो है, यानी जो तुरंत बाद वाला है, वो sp2 संकरित होना चाहिए। एलिलिक एल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब इसमें ये कार्बन परमाणु sp3 संकरित है और ये वाला sp2, ठीक है ना। तो ये इसने कहा है OH जिससे जुड़ेगा वो sp3 होगा, परंतु उसके तुरंत बाद वाला sp2 माना जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एलिलिक एल्कोहल, ठीक है। अगला नंबर है एफ नंबर है विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह
वे कोयल जिनमें ओएस समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है विनाइलिक एल्कोहल कहलाता है। वे एल्कोहल जिनमें ओएस समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है विनाइलिक एल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा तो एग्जांपल हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है ना। इसमें ये कार्बन परमाणु sp2 संकरित, ठीक है ना, कौन सा है sp2 संकरित। तो ऐसे एल्कोहल को हम विनाइलिक एल्कोहल कहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा नंबर जी दूसरा ऑप्शन कह सकते हैं कि वे एल्कोहल जिनमें OH समूह डबल बॉन्ड या द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है विनाइलिक एल्कोहल कहलाते हैं। अब इसमें क्या होगा, वेंजेलिक एल्कोहल, वेंजेलिक एल्कोहल, वेंजेलिक एल्कोहल। नाम क्या है, बेंजेलिक मतलब बेंजीन रिंग से, यानी वे एल्कोहल जिनमें OH समूह, ठीक है ना, वे एल्कोहल जिनमें CH2OH समूह, CH2OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है वेल कोयल जिनमें CH2OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है बेंजेलिक एल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं CH2OH, ये रहा CH2OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो ऐसे एल्कोहल को हम बेंजेलिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे, वेंजेलिक एल्कोहल कहलाते हैं। आया समझे, तो इस तरह से ये आपका था क्लासिफिकेशन एल्कोहल का, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था और इसमें भी पढ़ रहे हैं। ये लगभग 7 प्रकार के एल्कोहल होते हैं जिन्हें मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया है। अब आगे हम चलते हैं इसमें एल्कोहलों का नामकरण, ठीक है। तो मैं इसको साफ करता हूँ, हेडिंग होगी एल्कोहलों का नामकरण, ठीक है, एल्कोहलों का नामकरण। तो 3 कॉलम बनेंगे, संरचना सूत्र याण सूत्र कह दें, सामान्य नाम और तीसरा होगा IUPAC नाम, ठीक है। 3 कॉलम बनेंगे जिसमें पहला आपका दिया जा रहा है, पहला एल्कोहल है CH3OH, ठीक है ना। सामान्य नाम होगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल कहते हैं सामान्य नाम में। और IUPAC एक कार्बन है तो मेथ प्लस एन, और एल्कोहल के लिए क्या लगता है, और यानी बन जाएगा मेथेनॉल, ठीक है ना, क्या बनेगा मेथेनॉल। कैसे, एक कार्बन के लिए मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन जुड़ता है और OH के लिए ऑल जुड़ता है, तो ये बन जाता है मेथेनॉल, ठीक है।
नंबर दो पर है CH3CH2OH, सामान्य नाम है एथिल एल्कोहल, ठीक है, और ये बनेगा 8+N+ all बराबर हो जाएगा एथिनॉल, ठीक है ना, 8+N बराबर प्लस ऑल बराबर हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से एल्कोहलों का ये नामकरण होता है, IUPAC नामकरण करते हैं। कैसे हुआ, कार्बन की संख्या यहाँ पर 1, 2 है ना, दो कार्बन है, दो कार्बन पर एथ होता है, एग्जाम्पल के तौर पर C1 पर क्या होता है मेथ, C1 माने एक कार्बन होने पर, C2 बराबर क्या होता है एथ, C3 बराबर क्या होता है प्रोप होता है, C4 बराबर क्या होता है ब्यूट होता है, C5 का मतलब 5 कार्बन यहाँ पर होंगे, पेंट हो जाएगा, C6 बराबर हेक्स हो जाएगा, C7 बराबर सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, C8 बराबर क्या होगा ऑक्ट हो जाता है, C9 बराबर नोन होता है, और C10 बराबर डेट होता है। यानी जब कार्बन 8 होंगे तो उसको ऑक्ट पड़ेंगे, 5 होंगे तो पेंट पड़ेंगे, 6 होगा तो हेक्स पड़ेंगे, यहाँ पर दो कार्बन थे एथ होता है इसलिए यहाँ पर एथ पड़ा, ठीक है, एक कार्बन होता है, एक कार्बन पर क्या है मेथ होता है तो यहाँ पर हमने मेथ लगा दिया, ठीक है ना, आया समझ में। तो इस तरह से इनके IUPAC नाम बनते हैं, और आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं तो IUPAC आपको पढ़ाऊंगा क्लास 11th के वीडियोस में, क्योंकि IUPAC ये वाली आपके सिलेबस में है नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित IUPAC जो थी वो आपको चैप्टर नंबर 9 पर करा दी गई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो जो हमारा तीसरा है एग्जांपल वो ये है CH3CH2CH2OH, ठीक है ना। अब आप इसमें देखेंगे कि तीन कार्बन है और श्रृंखला लंबी है ना, श्रृंखला एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यानी श्रृंखला कंटिन्यू बढ़ती जा रही है ना, और जब श्रृंखला बढ़ेगी, ठीक है, तो कितने कार्बन है 1, 2, 3, जैसे एक कार्बन के लिए मेथिल था, दो कार्बन के लिए एथिल था, तो तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, क्या होगा प्रोपिल एल्कोहल होगा, ठीक है ना। अब IUPAC नाम बनाए तो कितने 1, 2, 3, तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या लगता है प्रोप, तीन कार्बन के लिए क्या लगता है प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड का एन प्लस OH का और सिंगल बॉन्ड का, देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर प्रोप प्लस एन प्लस ऑल बराबर नाम बनेगा प्रोपेनॉल, क्या बनेगा प्रोपेनॉल बनेगा, ठीक। चौथा एग्जांपल देखते हैं, क्या है CH3 और OH, देखिए इसमें क्या हुआ कि OH समूह को सीधी श्रृंखला में ना जोड़ करके OH समूह को लिंक रोड में जोड़ देते हैं, ठीक है, लिंक रोड में जोड़ दिया, तो अब हमें यहां पर कार्बन परमाणुओं की गिनती करनी पड़ेगी, काउंटिंग। तो अगर अब गिनती वहां से की जाती है जहां से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, तो 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3, अगर इधर से गिनते तो भी दो पर ही आता, तो जब दोनों तरफ से बराबर हो तो गिनती हमारी सीधी तरीके से होनी चाहिए। अब यहां पर इसका नाम साधारण नाम तो हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये सामान्य नाम होगा इसका, ठीक है ना। और IUPAC की बात करें तो देखिए कितने कार्बन है, 3 है, प्रो प्लस एन प्लस ऑल 2, तो नाम बनेगा प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2, 2 क्यों आया, क्योंकि दो नंबर पर OH समूह उपस्थित है,
ठीक है, दो नंबर पर OH समूह उपस्थित है इसलिए प्रोपेनॉल 2 आया। अगला एग्जांपल चलते हैं, नंबर 5 पर है CH3 CH2 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 OH। सीधी श्रृंखला जा रही है, चार कार्बन है तो बन जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल, है ना, क्या बन जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल बन जाएगा, ठीक, क्लियर। अब इसका अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो कितने कार्बन है, चार कार्बन है, मतलब ब्यूट होगा सिंगल बॉन्ड का, एन होगा OH के लिए क्या लगेगा ऑल, नाम बन जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है ना, क्या नाम बन जाएगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा इसका IUPAC नाम, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नंबर 6 पे एग्जांपल की, या एक काम करते हैं इसको साफ कर देते हैं और दोबारा से करते हैं, तो नंबर 6 एग्जांपल नंबर 6 है कि CH3 CH CH2 CH3 OH, है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो अब जैसा कि अभी पीछे वाले में था आइसोप्रोपिल, यहां पर चार कार्बन है तो नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, सामान्य। अब इसकी काउंटिंग देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर हम यहां से करते हैं सीधी तरीके से तो दो नंबर पे OH समूह आता है, और उल्टे तरीके से करते हैं तो तीन OH पे। अभी मैंने क्या बताया कि गिनती वहां से होगी जहां पर OH समूह यानी क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, तो ये वाली गिनती जो है वो हमारी गलत है। अब यहां पर देख रहे हैं दो नंबर पे OH समूह है ना, तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दो नंबर पे, कि हम लोग लिख सकते हैं, चार कार्बन है, ब्यूट होगा सिंगल बॉन्ड का, एन होगा और OH का ऑल कितने नंबर पे है, 2, तो पूरा नाम बन जाएगा ब्यूटेनॉल 2, इस तरह से नामकरण होता है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, 7वां है CH3 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 OH, ये दिया गया है, इसमें कार्बन की हमें लंबी से लंबी श्रृंखला को चुनना होगा। तो देखिए सीधी श्रृंखला 1 2 3, तीन कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3, ये साथ में साइड में जुड़ रहा है तो ये भी प्रीफिक्स होगा और ये सफिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है साधारण नाम में हो, कितने कार्बन है, चार कार्बन है, तो ये हो जाएगा नियो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है ना, नियो ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। और IUPAC नाम बात करेंगे तो ये तो प्रीफिक्स है, दो नंबर पर है तो ये बनेगा 2 मेथिल 2 मेथिल, और प्लस तीन कार्बन है तो प्रोप है, प्लस एन है, प्लस ऑल दो नंबर, तो पूरा नाम बनेगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, ऐसा IUPAC नाम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एल्कोहलों का नामकरण होता है, जो कि आपका फिनिश हो गया, और आगे के जो एग्जांपल्स होंगे आप लोग स्वयं बना लेंगे, नहीं बना पाते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आज के इस टॉपिक में यहीं तक, इसके आगे आपका अगला टॉपिक आएगा एल्कोहलों का डिफरेंशिएशन, यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल में अंतर कैसे करते हैं, इसके लिए हम आपको
अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।